नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा बोनस देने वाली कंपनी, मतलब हमारे स्टॉक मार्केट की सबसे जो टॉप कंपनी है जो रेगुलर बेसिस पे बोनस देती है, मतलब जिसका रिकॉर्ड है कि वो रेगुलर बोनस दे रही है अभी के टाइम में, अभी जो पिछले 10 से 20 साल है इस समय में। अगर हम उससे पहले की बात करें तो उसमें तो विप्रो सबसे टॉप क्लास है जो कि सबसे ज़्यादा 13 बार बोनस दी है। लेकिन अभी जो 20 साल का रिकॉर्ड है उसके बेसिस पर हम आपको बताएंगे टॉप कंपनी कौन है जो कि बोनस देती है, क्योंकि अभी जो रिसेंट में जिसका रिकॉर्ड है वही आपको बोनस दे सकती है, क्योंकि कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इट्सेल्फ। तो जिसका हिस्ट्री है अभी रिसेंट टाइम में रेगुलर बोनस देने का, वही कंपनी आपको बोनस दे सकती है। और कब देती है इसका कंडीशन हमने पिछले वीडियो कई सारे वीडियो में भी आपको बताया है कि जिसके पास रिजर्व और सरप्लस कैश हो वो कंपनियां जो है रेगुलर बेसिस पर बोनस देती है अभी। तो चलिए हम बात करते हैं उन कंपनी के बारे में। तो वो कंपनी हमारा जो है उसके पहले हम हिस्ट्री को दिखाएंगे कि कब कब वो रिसेंट टाइम में अभी जो हमारे पिछले 10-20 साल है उसमें कैसे रेगुलर बेसिस पर बोनस दी है, और उसके बाद आपको प्राइस भी बताएंगे किस लेवल पर आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो 2018 में देख सकते हैं बोनस दिया है 1:1 का। अगर कोई आपको बोनस देता है जैसे ये कंपनी दिया है 3:1 का, तो ये बोनस काफ़ी आपके लिए बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 शेयर के बदले 3 शेयर मिला है। तो देख सकते हैं 1 शेयर के बदले 3 शेयर, तो ये तो काफ़ी बेहतरीन बोनस है, क्योंकि 1 शेयर के बदले आपको 3 शेयर फ्री मिला। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन है, 1 शेयर के बदले 3 शेयर फ्री, तो आपके पास कुल हो गया 4 शेयर। तो 1 शेयर था, अब आपके पास आ गया 4 शेयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1:1 का बोनस 18 में, फिर 3 साल पीछे चले जाइए 2015 में 1:1 का बोनस, फिर 1 साल मात्र पीछे चले जाइए 2014 में 1:1 का बोनस, फिर इससे 2006 में चले जाइए 1:1 का बोनस, फिर 2004 में 3:1 का बोनस। तो कोई 2000 ईस्वी में इसमें इन्वेस्ट किया होगा 2001 में 2002 में, तो समझ सकते हैं उनके 1 शेयर के बदले 4 शेयर यहीं पर हो गया। उसके बाद 4 से यहाँ 8 हो गया, 8 से 16 हो गया, 16 से 32 हो गया, 32 से 64। समझ सकते हैं 1 शेयर आपने बाय किया था और ये आपके 1 शेयर को 64 शेयर बना दिया। तो समझ सकते हैं इतना बेहतरीन बोनस। हम आगे के वीडियो में दूसरे कंपनी की भी बात करेंगे। अब जैसे विप्रो है, उसका रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा बोनस दिया है, तो पिछले 20 साल का उसका भी कंपेयर कर लेंगे, क्या विप्रो पिछले 20 साल में इस कंपनी से ज़्यादा बोनस दी है, मतलब 1 शेयर उसका भी लेंगे 2000 ईस्वी में, और बोनस के तहत निकालेंगे कि उसका कुल शेयर कितना होता है अभी 2020 में। इसका 1 शेयर हो गया आपका 64 शेयर, 1 शेयर आपने यहाँ बाय किया मतलब 2000 ईस्वी में, 2001 2002 में, तो आपका 1 शेयर हो गया 4 2004 में, फिर 2006 में हो गया 4 शेयर 8, फिर 2014 में 8 हो गया 16, 2015 में 16 हो गया आपका 32, और 2018 में 32 हो गया आपका 64। तो 1 शेयर बन गया आपका 64 शेयर। अब हम बात करते हैं स्प्लिट का, क्या बीच में स्प्लिट भी हुआ है? तो बीच में कोई स्प्लिट नहीं हुआ, 2000 ईस्वी में ही ये हुआ था, हम उसके बाद की बात कर रहे हैं, हमने उसके बाद बोनस बाय किया। ऐसे भी जिस दिन स्प्लिट हो उसके आसपास के टाइम पे बाय करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो बोनस शेयर होता है उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है, जब उसमें ग्रोथ हो और साथ साथ बोनस मिले तब फायदा होता है। जब ग्रोथ कंपनी में नहीं हो, उसके प्राइस में तेज़ी नहीं आए और सिर्फ बोनस से कोई फ़ायदा नहीं, जैसे ये बोनस का डेट है, इससे पहले आप शेयर बाय कर लेते हैं तो आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि प्राइस उसी रेशियो में कम हो जाएगा। अगर आप 100 रुपया में शेयर बाय करते हैं तो वो 50 रुपया 1 शेयर का हो जाएगा, तो ऐसे भी आप बोनस के बाद रेट घट जाता है तो उस समय भी आप बाय कर सकते थे। तो लॉन्ग टर्म का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें बोनस आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करता है। जैसे आपने 100 रुपया पे शेयर बाय किया, 200 हो गया तब बोनस मिला, उससे 1 शेयर का प्राइस कम हो गया, तो नए इन्वेस्टर जो उसको बाय करेंगे तो वो शेयर का प्राइस तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो आपका तो 2 शेयर हो गया और ज़्यादा तेज़ी से प्राइस आपके लिए वो बेनिफिट करेगा आपके ग्रोथ में, आपके इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ पर। तो लॉन्ग टर्म में जो है बोनस हमारा बेनिफिट करता है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जब एक्स बोनस डेट देखते हैं तब शेयर बाय करते हैं कि हम बोनस शेयर लेंगे,
तो जो जिस समय बोनस देता है कंपनी, उस समय शेयर बाय करके बोनस लेने से कोई बेनिफिट नहीं होता है। जैसे डिविडेंड है, जिस समय डिविडेंड पे किया जाता है उस समय शेयर बाय करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में आपको डिविडेंड सबसे ज़्यादा फायदा करता है, क्योंकि जैसे ये 10 रुपये का डिविडेंड पे कर रहा है तो उसी रेशियो में प्राइस जो है एक्स डिविडेंड के बाद शेयर का घट जाता है, तो आप ऐसे भी शेयर उतने कम प्राइस में बाय कर सकते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है उसमें हमारा डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट ये सारा बेनिफिट करता है। और कैसे करता है तो ये हम कई सारे वीडियो बना रहे हैं जिस पे कई निगेटिव कमेंट भी आते हैं और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट आते हैं, कि उससे हम देखते हैं कि जो कंपनियाँ लगातार बोनस देती है, डिविडेंड देती है, तो उस कंपनियों में जो ग्रोथ होता है, जो बिजनेस में ग्रोथ होता है उसके बेसिस पर देती है। तो आप उसको देख करके, उससे सीख करके नई कंपनियां उसी आधार पर खोज सकते हैं कि वो ऐसी कौन सी नई कंपनी है जिसमें ग्रोथ आने वाला है और जो लगातार रेगुलर बेसिस पर बोनस देगी। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारा उद्देश्य जो होता है यहाँ पर आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, आप पीछे जो कंपनियाँ बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है तो उसका क्या रीजन था, क्या उसका आधार था, क्या बेस था, उसका किस तरह का बिजनेस मॉडल था जो कंपनियाँ उतनी ग्रो हुई और उतना बोनस दी। तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, इसी को सिखाने का हमारा मेन पर्पस होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को। तो आपने देखा ये बोनस जो है लगातार कितनी बार दी है 2020 से, देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 5 बार में ये 64 शेयर बना दिया आपके एक शेयर को। तो समझते हैं डिविडेंड आपको पहले जो खरीदे होंगे तो आपको मिलेगा, इस पे देख सकते हैं मतलब 1 रुपीज इसका फेस वैल्यू कितना है, 5 है, तो फेस वैल्यू 5 है तो आपको डिविडेंड उसके अनुसार मिल जाएगा। यहाँ पर 140% 7 रुपया आपको डिविडेंड मिल जाएगा 140%। तो उसी तरह से 190, ये यहाँ पर देखते हैं 9 रुपया आपको जो है 9 रुपया 50 पैसा डिविडेंड मिल जाएगा 195% में। तो इस तरह से बेनिफिट करता है लॉन्ग टर्म में। आप देखिए यहाँ पर आप बाय किए होंगे जिस समय बाय किए होंगे तो एक शेयर, तो उस समय आपको वही 10 रुपया डिविडेंड मिलेगा। अब 64 गुना 10 कर दीजिए, 64 गुना 10 कितना हो जाएगा, 640 रुपया डिविडेंड। तो समझ सकते हैं आपने जितना पे शेयर बाय किया हो उतना डिविडेंड के रूप में मिलेगा। स्प्लिट का कोई बेनिफिट नहीं हुआ है क्योंकि हम 2020 के ऊपर काउंट कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बोनस देने वाली जो ये शेयर थी, आपने देख लिया एक शेयर को 64 बना दिया। तो ये शेयर जो है, इस कंपनी के बारे में सबसे पहले जान लीजिए, ये कंपनी जो है इन्फोसिस है, मतलब विप्रो का जो है साथी है, तो क्योंकि उसी आईटी सेक्टर से ये कंपनी है। और भी सारी कंपनी है जैसे अलग अलग सेक्टर से, एलएनटी है, मदरसन सुम्मी है, और भी कई सारी कंपनियां हैं जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा बोनस देने वाली कंपनी में अभी इन्फोसिस है जो रेगुलर बेसिस पर बोनस दे रही है। आपका कहना होगा विप्रो देती है, तो विप्रो को भी हम अगले वीडियो में देख लेंगे कि विप्रो कितना एक शेयर को कितना शेयर बनाया है, तो पता चल जाएगा अभी रिसेंट टाइम में कौन दिया है। पहले के हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विप्रो दिया है, लेकिन अभी के टाइम में हम कंपेयर करेंगे पिछले 10-20 साल में कि सबसे ज़्यादा हमारे आधार पर इन्फोसिस दिया है। तो हम वीडियो में एकदम कंपैरिजन भी कर लेंगे दोनों को एक साथ, कि विप्रो ज़्यादा दिया है या इन्फोसिस। तो इन्फोसिस क्यों दिया, क्योंकि इस कंपनी के पास रिजर्व और कैश बहुत ज़्यादा है। चलिए हम बैलेंस शीट देख लेते हैं, अभी इसका करेंट प्राइस देखते हैं 714 रुपीज़ है, और इसमें हमारा भी इन्वेस्टमेंट है, हम भी इन्वेस्ट किए हैं इसमें। हम आपको वैसे शेयर नहीं बताते जिसमें हम खुद इन्वेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इस शेयर में हमारा भी इन्वेस्टमेंट है, तो आप उससे सीख सकें कि कैसे शेयर को हम चूज करते हैं और कब चूज करना है। ये आपको टेक्निकल एनालिसिस बताएगा कि जैसे प्राइस में करेक्शन आता है और वो कंपनी अंडर वैल्यूड जिस समय प्राइस पर मिल रहा है, मतलब या सीधा कहें करेक्शन के प्राइस पर मिल रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते थे। जैसे इसमें करेक्शन आता है, मार्केट कभी करेक्ट करता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तत्काल के लिए आप इसमें छोटे अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे करेक्शन आता है तो हैवी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए इन्फोसिस के हम बैलेंस शीट आपको दिखाते हैं, ये देखते हैं इन्फोसिस का बैलेंस शीट है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। बहुत सारे लोग पूछते हैं आप कॉर्पोरेट एक्शन कौन से वेबसाइट पर देखते हैं, आप मनी कंट्रोल के ऐप पर भी देख सकते हैं, मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर देख सकते हैं, यही सेम चीज़ मनी कंट्रोल के ऐप में भी है, सेम चीज़ इसी को मनी कंट्रोल ऐप में भी अरेंज कर दिया गया है जहाँ पर आप देखते हैं, तो सेम चीज़ है, सेम टू सेम। तो यहाँ पर देखते हैं बैलेंस शीट ये 2020 मार्च तक अपडेटेड है। तो चलिए नीचे चलते हैं, तो देखते हैं कंपनी के पास रिजर्व कितना है, 60,000 करोड़।
देखते हैं रिजर्व कितना पास है, 60,000 करोड़, तो बहुत ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। उसके बाद नीचे देखते हैं कोई लोन, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, कोई लोन नहीं है तो डेप्ट जीरो हो गया। जब कंपनी कोई लोन ले रखा होगा तब कंपनी के पास डेप्ट दिखेगा आपको, नहीं तो कोई डेप्ट नहीं होगा। तो जो टोटल शेयर होल्डर का मतलब फंड है प्लस जो रिजर्व है, रिजर्व भी किसका होता है, शेयर होल्डर मतलब आपका होता है। आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं तो रिजर्व भी आप सभी शेयर होल्डर का है। तो शेयर होल्डर का जो फंड है प्लस जो रिजर्व है, दोनों लाइबिलिटीज हो गया। लोन तो है नहीं, लोन भी होगा तो उसको भी ऐड कर देंगे लाइबिलिटीज में। तो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस में आपको सिखाई जाती है, तो आप कहीं से भी क्लास कर सकते हैं या डेली वीडियो देखेंगे, धीरे धीरे आप ज़रूर सीख जाएंगे। उसके बाद नीचे चलते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस देखते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस 13,000 करोड़, तो कैश और बैंक बैलेंस 13,000 करोड़, रिजर्व देखते हैं 60,000 करोड़ ऐड कर दीजिए तो 73,000 करोड़ कंपनी के पास कुल समझ सकते हैं कैश और रिजर्व है। तो ऐसे ही कंपनियां बोनस दे सकती है जिसके पास कैश और रिजर्व है। अब जिस कंपनी के पास सिर्फ डेप्ट होगा तो वो कंपनियां बोनस जल्दी नहीं देती है, क्योंकि वो सबसे पहले अपने डेप्ट को कम करने की कोशिश करेगा। उसके बाद बुक वैल्यू देखते हैं, कंपनी का बुक वैल्यू में काफ़ी उतार चढ़ाव आगे पीछे देखने मिला है, तो बुक वैल्यू पर भी ध्यान रखेंगे। बुक वैल्यू अगर कंपनी का लगातार कम हो रहा है तो थोड़ा सा निगेटिव साइन है आपके लिए। उसके बाद हम इसके फाइनेंशियल को देख लेते हैं। तो ये है कंपनी का फाइनेंशियल, यहाँ पर देखते हैं नेट सेल्स, देखिए 21, 21, 22, 23, 23 लगातार कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है, जो कि अच्छा साइन है जो शेयर होल्डर है उसके लिए, क्योंकि कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज कर रहा है, मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है। उसके बाद प्रॉफिट, तो यहाँ पर देख लीजिए 4,000, 3,800, 4,000, 4,400, 4,300, तो प्रॉफिट में लगातार कंसिस्टेंट है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव होते रहता है, और इस बार जो क्वार्टर होगा उसमें थोड़ा सा प्रभावित होगा रिजल्ट। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कि आप जान पाए होंगे किस तरह की कंपनियां जो है लगातार बोनस देती है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे आपके दिमाग में कि कौन सी कंपनी आगे बोनस दे सकती है। तो सबसे पहले आप जो ध्यान रखें वो ग्रोथ पर रखें, कंपनी के सिर्फ बोनस पे ध्यान आपका नहीं होना चाहिए, कंपनी के ग्रोथ पर होना चाहिए। ग्रोथ अगर मान लेते हैं बोनस कंपनी नहीं देती है आपको 100,000% का रिटर्न दे देती है, तो कंपनी आपको ऐसे ही 1 करोड़पति बना देगा बिना बोनस दिए। लेकिन कंपनी में अगर ग्रोथ है साथ साथ बोनस भी देती है, वो कंपनियां आपको और ज़्यादा रिटर्न देगी। तो कंपनी में ग्रोथ हो साथ साथ बोनस दे तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए कंपनियों में सबसे पहले आपको ग्रोथ देखना है, सिर्फ बोनस कभी नहीं देखना है। सिर्फ बोनस और डिविडेंड देकर कभी इन्वेस्ट ना करें, सिर्फ कम से कम कंपनी में ग्रोथ होना जरूरी है, उसके बिजनेस में ग्रोथ हो, प्रॉफिट में ग्रोथ हो, तब जा करके बोनस का मज़ा आता है। ऐसे बोनस से कोई बेनिफिट्स होने वाला नहीं है, कंपनी में ग्रोथ होगा तभी बोनस भी बेनिफिट करेगा। अब हम आपको इन्फोसिस के लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाते हैं। देखिए 2000 ईस्वी से अभी तक में इन्फोसिस ने, तो 2000 ईस्वी ले लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद कर लेते हैं, थोड़ा सा करेक्शन आया है 2000 के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर 2001 में आप बाय किए रहते तो अभी तक में इन्फोसिस में आपका जो ग्रोथ मिलता 2000% का, तो 2000% 1800% कहेगा ये तो मामूली ग्रोथ है, इतना तो बहुत सारी कंपनियों में आपको इतने रिटर्न देखने मिल जाएंगे, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। लेकिन इतने ज़्यादा बोनस आपको किसी भी कंपनी में नहीं मिलेंगे, बोनस आपके शेयर को इतना मल्टीप्लाई कर देता है जिसका मैजिकल रिटर्न इतना अधिक है जो आपको बहुत सारी कम कंपनियों में देखने मिलेगा। तो आप 2000% ये तो मामूली रिटर्न है, ये बहुत सारी कंपनियों में आपको देखने मिल जाएगा, बहुत सारे लोग ऐसे ही बताएंगे, तो इसमें कौन सा नया लॉजिक है। लेकिन इसमें जो लॉजिक है वो बोनस का है, इतनी कंपनियां बोनस देती है आपको, इतनी बोनस देती है जो आपके रिटर्न को कई टाइम्स मल्टीप्लाई कर देती है, क्योंकि आपका एक शेयर 64 शेयर हो गया। अब 64 शेयर हो गया तो आपको डिविडेंड समझिए, डिविडेंड के रूप में ही उतना अमाउंट हर साल मिल जाएगा जितना कि आपने इन्वेस्ट किया था, जितना आप इन्वेस्ट किया तो उतना डिविडेंड ही मिल जाएगा। तो आपको ये जो रिटर्न मिल रहा है और जो बोनस के कारण जो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई हुआ है वो सारा एक्स्ट्रा है। तो ये सारा मैजिक है बोनस का। तो बोनस के इसी मैजिक को सीखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, और जो बोनस का मैजिक है वो हम कई सारे वीडियो में आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं कि कैसे
बोनस के मैजिक से आपको एक ह्यूज रिटर्न मिलता है। तो हमारा जो मोटिव है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, कि आप एक इन्वेस्टर बनिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, ना कि आप गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड का जो रेट 2011 में था वो रेट अभी तक नहीं आ चुका है। समझ सकते हैं, गोल्ड का जो रेट 2011 में था वो अभी भी नहीं आ पाया है। तो हमारे जो पूर्वज पहले गलती किए हैं कि वो गोल्ड रख रख करके खरीद के रखे हुए हैं, तो वैसे गलती आप ना करें। आप जो है इसमें रिस्क है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी कई सारे ऐसे स्कीम है जो पूरी तरह से सिक्योर है और आपको 15% तक का रिटर्न, 10% तो सिक्योर है कि आपको 10% रिटर्न देगा। आप FD कराएंगे तो क्या होगा, 7% रिटर्न, उसमें भी आपको टैक्स लगेगा। लेकिन डेब्ट फंड ऐसा फंड है जिसमें आपको 10% डिविडेंड और इनकम टैक्स रिलीफ भी मिलेगा। तो यही हमारे चैनल का मेन मोटो है, आपको ऐसे मतलब सोर्सेस के बारे में बताना और सिखाना जहां से आप रिटर्न भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने मनी को भी सुरक्षित रह सकते हैं। तो ऐसे कंपनियां, ब्लू चिप कंपनियां आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो जैसे डेब्ट फंड में सुरक्षित है, वैसे इसमें भी समझिए कि आपका बहुत ज़्यादा परसेंटेज चांस है कि आपका मनी सुरक्षित रहेगा। बस थोड़ा सा आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि जैसे कोई कंपनियों के बारे में बैड न्यूज आती है, कंपनी का फ्यूचर, जो फ्यूचर है कंपनी का, वो अब परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है, तो बस उस कंपनी से तब आपको एग्जिट हो जाना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप जो है अपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ जानकारी ले पाए होंगे, कुछ पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीख पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।